आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी और ये कहावत जो है हकीकत उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दिखती है, जहां पर आपको बता दें कि बिजनौर में प्यार में पागल एक प्रेमी प्रेमिका के परिजनों पर दबाव बनाने के लिए उनके घर पर कुछ युवकों के साथ डराने धमकाने के नियत से धावा बोल दिया, जिसके बाद ग्रामीणों से उनकी मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में प्रेमी की गोली लगने से मौत हो गई। दरअसल बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला कायस्थान निवासी प्रेमी एक गांव निवासी युवती से प्रेम प्रसंग कर रहा था, जिसके चलते प्रेमी ने अपने कुछ साथियों के साथ प्रेमिका के परिजनों पर डराने धमकाने की नीयत से धावा बोल दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में प्रेमी की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। एसपी सिटी लक्ष्मी निवास मिश्र ने बताया कि युवक की मुठभेड़ में गोली लगने से मौत हुई है। वहीं कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मामला ऐसा था, जो 7-8 लड़के थे उसे लिवा के ले गए हैं साथ में, और जो है वहाँ उसे जहाँ गए थे गाँव है चांद से थोड़ी दूर, उसे गोली लगी पाई गई है। अब ये फरार हैं जो इसके साथ थे। कैसे आपको सूचना लगी? सूचना आपको जो पुलिस ने थाना चांदपुर पुलिस ने आगे बताया है रात में, कैसे तो तुम्हारे राजू के साथ हो चुका। तो क्या लग रहा है आपको कौन लोग होंगे? ये तो साथ वाले बताएंगे जो उनके साथ थे। ये कुछ लोग एक लड़की से प्रेम प्रसंग था, उसी के संबंध में डराने धमकाने गए थे, इसी पर गांव वालों से इनकी हुई मुठभेड़ हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, इसमें गिरफ्तारी हो गई है और जेल भेजे जाने का कार्रवाई की जा रही है, और जो भी शेष बचे हैं उनकी भी सीधी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।